हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, एकता कपूर के ऊपर एक बार फिर से बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, एकता कपूर का सीरियल कुंडली भाग्य इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इसके पीछे कई सारी वजह है। पहली वजह तो ये थी कि धीरज धूपर ने अचानक शो को क्यों छोड़ दिया। वहीं दूसरी बड़ी वजह है लगातार इस शो के रियल कैरेक्टर्स का अचानक से रिप्लेस हो जाना। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एकता कपूर के ऊपर एक बार फिर से मुसीबत आ गई है, क्योंकि कुंडली भाग्य की एक और लीड एक्ट्रेस ने शो को अलविदा कहने का फैसला ले लिया है। और शो को अलविदा कहने के बाद उसने खोल दी एकता कपूर की पोल। आखिर क्यों जा रहे हैं कुंडली भाग्य शो से परेशान होकर सारे के सारे करेक्टर्स? क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, करण लूथरा की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया जब उसका चेहरा बदल के शक्ति अरोड़ा ने शो में एंट्री ले ली। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब एक बार फिर से शक्ति अरोड़ा यानी कि करण लूथरा और साथ ही साथ ऋषभ लूथरा की बहन का किरदार निभाने वाली ट्विंकल वशिष्ठ यानी कि कृतिका, वो भी शो को छोड़ चुकी है। जी हाँ, शो को अलविदा कहने के बाद मीडिया से इंटरेक्ट किया और उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बोला कि टाइम और डेट्स मैनेज नहीं हो पाते। यानी कि दोस्तों, जो खबर पहले बाहर आती थी कि एकता कपूर अपने सारे के सारे एक्टर्स को 24 घंटे सेट पर काम करवाती हैं, उन्हें हॉलीडेज भी प्रॉपर नहीं देती हैं और उनको जितना काम करवाएगी उतने पैसे नहीं देगी। यही वजह है कि एक और करेक्टर ने शो को एग्जिट कर लिया और एक बार फिर से सवालों के घेरे में एकता कपूर आ गई। आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपने व्यूज आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।